गधे की रेस में घोड़े को दौड़ाएगा वो इधर हुआ था। अच्छा वेलकम पिक्चर वाला ना भाई, बैकअप कट कैमरा वो तोड़ मार रहा था वो इधर कैसे जानी दुश्मन भी इधर ही हुई थी जानी दुश्मन। अच्छा वेलकम मूवी की शूटिंग यही पे हुई थी और घोड़ा वाला रेस का और जानी दुश्मन और जानी दुश्मन पानी के अंदर जो फाइटिंग वाला सीन है। उसके बाद में प्यार किया तो डरना क्या मैंने वो गाना वो जाने जाना सुपर डुपर हिट फिल्म है प्यार किया तो डरना का प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग सुने होंगे आप लोग। ओपो जाने जाना ढूंढे तुझे दिल दीवाना उसकी शूटिंग यही पे हुई थी सलमान खान की। सिंगम का भी वहाँ हुआ था। अच्छा सिंगम गोवा बताते ना। गोवा सीन हेरा फेरी का सीन यहाँ पे भी हुआ था। वो थे पत्थर आके अभी ये सब डाले दोस्तों। धमाल पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो गोवा वाला सीन लिए थे वो यहाँ का था भाई। मुंबई में ही गोवा है सब यहीं पे गोवा बन जाता है यहीं पे सब कुछ बन जाता है। राजा गोविंदा की आप लोग देखे होंगे यही कादर खान का जो होटल बताया है। हाँ कादर खान का जो होटल यहाँ पे बताया गया है यही इसकी शूटिंग हुई थी। ये भी तो गोवा का लुक देख है ना। हाँ वो बोला तेरे दो माले गिरा दूंगा ना। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है नैतिक अक्षरा उन्हीं का घर है ये सीरियल में रियल में नहीं सीरियल में। और कई सारे सीरियल सीरियल मूवी मूवी ओरिजिनल बंगलो दिखाते वो ये है। अच्छा ओरिजिनल बंगला है ना जहाँ पे अपना है मड आइलैंड में। मड आइलैंड फिल्म सिटी आपको गाइड्स किए इसके बाद में अपना है मड आइलैंड ये बाद आए हैं मड आइलैंड में ये है ओरिजिनल सेट ओरिजिनल सेट इसको तोड़ते नहीं है। अच्छा बंगला है देखो जो करीना कपूर ऊपर रहती है ना टैरिस पे शाहिद कपूर गुंगा होता है यही बंगला है। अच्छा चुपके चुपके फिल्म में ना राइट। और इसके बाद में फिर हेरा फेरी बाबू भैया एक किस दिन में डबल पैसा भैया रहते ना यहाँ पे यही बंगला कपिल शर्मा में जो अर्चना हंसती रहती है उनका घर है ये। और इसमें राजपाल यादव भी रहता है और इसमें राजपाल यादव सर जी भी रहते हैं। शाहरुख खान की पिक्चर वो वाली मैं तो वो पागल उसमें वो मोटा नहीं रहता है कुत्ता काटने आता है उसको मोटा मोटा मैं तो वो भी रहता है ओरिजिनल इसमें तो यहाँ से तो आती पाटिल साहब का बंगला ये यहीं से शूटिंग हुआ है।